Today my topic is related to the research gap. How you find the research gap? And first of all, clear the meaning. Research gap: a topic या area for which missing and insufficient information. जब आप research करते हैं, you have particular topic और उस topic के area को जब आप study करते हैं through literature, तो आप देखते हैं कि कुछ area उसमें missing रहता है या जो information उसमें होनी चाहिए वो information नहीं है, तो वो ही आपका research gap निकल के आता है. सो उसी रिसर्च गैप से आपके क्वेश्चनियर प्रिपेयर होते हैं. देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ द रिसर्च गैप. फर्स्ट वन लिटरेचर, कॉन्सेप्चुअल, टाइम, पॉपुलेशन, मेथोलॉजी. तो इस तरह के रिसर्च गैप आपके निकल के आते हैं. तो जैसे कि हम लिटरेचर की बात करते हैं, व्हाट इज द लिटरेचर गैप? मोर ऑफन ए रिसर्च गैप एग्जिस्ट व्हेन देयर इज अ कॉन्सेप्ट एंड न्यू एरिया दैट हैज नॉट बीन स्टडीड. ऐसे बहुत से लिटरेचर होते हैं या आपको बहुत से ऐसे थीसिस मिलेगी, आर्टिकल मिलेंगे, रिसर्च पेपर मिलेंगे, जहाँ पे नए कॉन्सेप्ट को स्टडी नहीं किया गया है, नए आइडिया को इंक्लूड नहीं किया गया है, उसको निग्लेक्ट किया गया है. तो जो आपकी स्टडी में एरिया निग्लेक्टेड है, तो वो आपका रिसर्च गैप बन जाता है. किसी पार्टिकुलर व्यक्ति ने कहीं और की पॉपुलेशन को इंक्लूड किया है, किसी ने किसी और की पॉपुलेशन को इंक्लूड किया है, और आप कोई और पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं. कॉन्सेप्चुअल गैप, यू इन्वेस्टिगेट द एस्पेक्ट टू फाइंड आउट द रियल फैक्ट. यानी कि जो आपके कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर किसी भी रिसर्चर ने स्टडी नहीं किया है और जो कॉन्सेप्ट है मिसिंग है, तो उस पर भी आप रिसर्च कर सकते हो. नेक्स्ट वन है टाइम गैप. कभी कभार टाइम आउटडेटेड रिसर्च हो जाती है. जो रिसर्च बिफोर 15 ईयर पहले हो चुकी है, उसको दोबारा से आप ले सकते हैं, यानी कि आप करंट स्टडी कर सकते हैं. तो टाइम गैप में आप ये देखते हैं, जब आप लिटरेचर ऑफ रिव्यू स्टडी करते हैं, तो उसमें टाइम गैप को मेजर किया जाता है कि आपने कहाँ से इस लिटरेचर को लिया है, कितना टाइम पीरियड के आधार पर लिया, और कितना आप फर्दर जो है, अगर वो जो रिसर्च ऑलरेडी बहुत टाइम पहले हुई है, तो वो आउटडेटेड रिसर्च हो जाती है, उसको आप दोबारा कर सकते हो. पॉपुलेशन ग्रुप गैप. सो द पॉपुलेशन, मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम सेंसस सर्वे से स्टडी करते हैं, वी इंक्लूड एवरी यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन. अगर उसमें से अगर आप सैम्पलिंग करते हो, यू कैन सिलेक्ट ऑन पर्टिकुलर समथिंग. सो आप क्या करोगे, जो पॉपुलेशन मिसिंग थी, जिसको इंक्लूड नहीं किया है, उसको दोबारा लेके अगर आप स्टडी करते हो, तो वो भी एक गैप बन जाता है जो पॉपुलेशन इंक्लूड नहीं थी. मैथोलॉजिकल गैप, ये ऐसा गैप होता है कि जो आपकी थीसिस है, डेजर्टेशन जिसको हम कहते हैं, वो ऑलरेडी उस पर रिसर्च हुई है, लेकिन उसमें इस तरह के मेथड नहीं लगाए हैं, या हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं हुई है, या किस तरह के रूल और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया है, तो उस पर आप दोबारा स्टडी कर सकते हो. तो जो चीज़ रिसर्च गैप क्या होता है, जो चीज़ मिसिंग है या जो चीज़ इनसफिशेंट है, ऐसा एरिया जिसको स्टडी नहीं किया गया है, जहाँ पे आपको लगता है कि लिटरेचर में गैप है, जहाँ पे आपको लगता है न्यू कॉन्सेप्ट को स्टडी नहीं किया गया है, जहाँ लगता है कि टाइम जो है वो बहुत हो चुका है, आप दोबारा से रिसर्च उस पर कर सकते हैं, या जहाँ आपको लगता है कि इस पॉपुलेशन को स्टडी में इंक्लूड नहीं किया गया है, मेथड्स में टेस्टिंग नहीं की गई है, न्यू मेथोलॉजी को यूज़ नहीं किया गया है, तो वहाँ पर आप रिसर्च गैप फाइंड कर सकते हैं. आप जब रिसर्च करते हैं, तो आप कहाँ से रिसर्च गैप फाइंड करेंगे? लुक आर्टिकल, आर्टिकल को स्टडी करें, थीसिस या फिर जो उन्होंने सजेशंस दिए हैं फ्यूचर्स के लिए, वहाँ से आप रिसर्च गैप निकाल सकते हैं. जिस व्यक्ति ने अपनी रिसर्च की है, उसमें लिमिटेशन दी होती है, तो लिमिटेशन से आप रिसर्च गैप निकाल सकते हैं. साइटेशंस को कंसल्ट करके, या फिर रेफरेंसेस को देख के, या लिटरेचर को रीड करके आप रिसर्च गैप निकाल सकते हैं. तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाउ यू फाइंड द रिसर्च गैप. सो मेन चीज है कि आप लिटरेचर गैप ले रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल गैप ले रहे हैं, टाइम गैप ले रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रुप गैप है, या मेथोलॉजिकल गैप है. तो ये ध्यान रखना है आपने. एंड आपने जब भी स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, सो रिसर्च गैप आप कहाँ से निकालोगे? आप आर्टिकल से, थीसिस से, या जो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति ने फ्यूचर्स के लिए सजेशंस दिए हैं, पार्टिकुलर लिमिटेशन है थीसिस डेजर्टेशन की, या फिर किसी भी रिसर्च पेपर की, या आप रेफरेंसेस पढ़ें, लिटरेचर को रीड करें, वहाँ से रिसर्च गैप निकाल सकते हैं. ओके, आई होप आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा.